नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संभोग करते हुए छिपकली का दिखाई देना। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नर मगरमच्छ छिपकली संभोग के दौरान मादा को सिर के पीछे काटता है, जिससे वह तब तक अपनी जगह पर बनी रहती है जब तक वह तैयार नहीं हो जाती। छिपकलियों को इस स्थिति में लंबे समय तक देखा गया है, कभी कभी एक घंटे से अधिक, और कई बार वे खुले स्थानों में घूमती रहती है जिससे वे आसानी से दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति छिपकली के जोड़े को संभोग करते देख लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही उसकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होने वाली है। नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृहस्वामी को छिपकली मरी हुई व मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस अपशकुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आपके माथे पर छिपकली गिर जाए तो माना जाता है कि आपको संपत्ति मिलने वाली है। नाक पर छिपकली गिरती है तो माना जाता है कि जल्द ही भाग्योदय होगा। गर्दन पर छिपकली गिरने का मतलब यश की प्राप्ति होगी। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने पर विजय की प्राप्ति होती है। वहीं बाएं कंधे पर अगर छिपकली गिरे तो नए शत्रु बनते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली का बोलना सुनाई दे शीघ्र ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है या फिर कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये घटना बहुत कम होती है क्योंकि छिपकली अधिकांश रात के समय बोलती है। दाएं पैर या दाएं एड़ी पर छिपकली गिरना यानी यात्रा से लाभ मिलता है। बाएं पैर या बाएं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलह होगी, दुख मिलेगा। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। वहीं बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब व्यापार में हानि होगी। अगर दो छिपकलियों को झगड़ते देख लिया जाए तो समझ लें कि आने वाले समय में आपका किसी बेहद नजदीकी व्यक्ति या प्रेमी से झगड़ा होने की संभावना है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि दिन में भोजन करते समय छिपकली के चटकने की आवाज सुनाई दे तो उसे कोई शुभ समाचार या शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि यह बहुत दुर्लभ है क्योंकि छिपकली अक्सर रात में शोर करते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के सिर या दाहिने हाथ पर छिपकली गिरे तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि छिपकली बाएं हाथ पर गिरे तो धन की हानि हो सकती है। यदि छिपकली किसी व्यक्ति के दाहिनी ओर गिरे और बाईं ओर उतरे तो पदोन्नति धन लाभ की संभावना होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।